और देख मोटरसाइकिल है। बस 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 आज तो कर दी टच, आज तो दीवार में टच कर दी इसने, दीवार में मार दियो आज तो ट्रैक्टर। ये है जॉन डियर 50 HP। भाई छाती इनकी होती है ट्रैक्टर ड्राइवर्स की, जैसे चला लेते हैं इनको, ये कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी चला लेते हैं। अब बताओ यार, यही तो स्टेयरिंग काम करता है, फिर भी पता नहीं कैसे घुमा लेते हैं लोग। बढ़िया है, असली स्टंटमैन तो ये घोषित कर देना चाहिए देश के। गाड़ी में ड्रिफ्ट करने वाले तो बस ऐसे ही हैं, ये असली खतरों के खिलाड़ी। दीवार में देखे मारता अभी भाई देखो देखो कैसे उड़ जाता है। अरे ये क्यों उठ रहा है, ये क्यों उड़ जा रहा है भाई? ये उठाइए बड़ी लोडी, इनमें तो छोटा ट्रैक्टर है। तो बड़ा ले क्या पैसे देते? क्या पैसे देते? पैसे से आता है क्या ट्रैक्टर? हाँ जी। अच्छा कितने का आता है? आता है ये बड़ा लेंगे तो इसे 8-8.5 लाख रुपये का है। हाँ जी। और ये कितने का है? ये 6 लाख रुपया का, ये तो किस्तन पे प्याज पे है। अरे भाई 25,000 में, 6 लाख रुपए में तो बलेनो आ जाएगी। ओ भाई लेकिन वो ईट बलेनो, सुनो बलेनो कोई कमा के नहीं देती है, ट्रैक्टर कमा के देगा, ये कितना भी काम करते वाले। सही बात है, सही बात है। अभी ये तो ये देखो भाई, देखो भाई, देखो ये देखो भाई, बस 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 सीधो सीधो। ये कितने मेहनती होते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर्स। ये कम से कम 3600 पावर ट्रैक्टर है। 36 मिल है पूरे गुण तेरे पे, फोड़ 3600 आड़े ध्यान धर मेरे पे। भाई ये न्यू सॉन्ग रिलीज नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देखो कितना मस्त गाना है। हालांकि हम पे फोड़ 3600 है नहीं, हम पे जो डियर है हरे रंग का, देखो भाई कैसे। ओ भाई देखो पट्टी पट पट्टी पट होता रहता है। तो फोड़ 3600 को जाके जरूर देखना, ट्रक लगाना पड़ेंगे जो डियर पे। अरे डोरी से कर दिया डोरी का काम, बिजली की डोरी का काम हो चुका है। अब नहीं निकलेगी ये, अब नहीं निकलेगी, दोनों निकलेगी। अब जेक उठाएंगे, अब पाइप लगा ले रही थोड़ा सा। तो ये 36 horsepower ट्रैक्टर भाई आपका, इनमें टॉर्क बहुत ज्यादा होता है जिससे ये अपना कहीं भी अपना सामान लेके जा सकते हो। ये इसका इंजन है। दिनेश ए दिनेश, ओए जैक तो खिला दे जल्दी आ ना भाई, थोड़ी सी हाथ खिलानी पड़े। अरे इसका इंजन खोल एक बार, दो सिलेंडर का इंजन, एक मिनट खोल चाबी इसमें। अच्छा ये तो सिलेंडर जो ये सामने धरा है कहाँ पे? ये रहा ना, ये इंजन है दोनों सिलेंडर का। क्लास लिया जा ये देखो भाई बैटरी ऐसी होती है इनमें, बड़ी सी आगे स्पेशल जगह होती है इनको रखने के लिए। बाकी पूरा कंपार्टमेंट आप इसका देख सकते हो, ऐसा दिखता है। जो पहले आइसर आया करता था उसमें तो भाई दिखता था कैसा इंजन लगा हुआ, उसके पट्टे वट्टे इनमें नहीं दिखते, इनमें सब पैक्ड रहता है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे इसकी लाइट होती है जिनमें जंग लग चुका है काफ़ी ज़्यादा। वेरी नाइस। तो इसको ऐसे रख देंगे और ये अब लॉक हो गया है। और यहाँ पे देखिए लाइट्स पे इसके क्या लगा हुआ है। चलो ले होल्ड योर कीज। इतनी सारी कीज किस चीज की है? ये जो डीजल की टंकी है, ये डेक की है, ये ट्रैक्टर डेक। म्यूजिक सिस्टम यू मीन? तो म्यूजिक सिस्टम भी इसमें लगा होता है। कौन सी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम है ये? अरमान बोस, JBL, सुक्की बाबा। ये पलवल का है भाई, देखो वहाँ पे अंदर, ये कोई अलग ब्रांड है, न्यू ब्रांड है, देखो PALWAL आपको दिख रहा होगा। तो ये गाड़ियों में भी जल्दी आने वाला है, सुक्की बाबा का काम अभी जो वो है चल रहा है कोलैबोरेशन उनके साथ। और आप देखो इसके कैसा ग्राउंड स्पीड वगैरह का क्या क्या सिस्टम रहता है भाई, ये देखिए। और इसमें मैं गियर दिखाता हूँ, वो कितने सारे मिलते हैं इस जॉन डियर ट्रैक्टर में। सेफ्टी लिव विद इट, यहाँ पे देखिए एक आगे का है, पीछे का है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 इसमें गियर होते हैं, काफ़ी गियर होते हैं भाई इसके अंदर। कितने गियर हैं इसके अंदर?
चार, अरे तो वो तो चार है ना, ए सुन, ए बी ये लो ठीक, यू बैक, अच्छा यू हाई, अच्छा ए होता है भाई लो, बी होता है आपका हाई। हाँ, तो जब आपको हाई लगाना है तो हाई लगा दो, और जब आपको एकदम पावरफुल काम लेना है तो आप लगाओगे इसके अंदर लो। और इसके मीटर वगैरह है, ये ट्रैक्टर को काफी दिन हो गए, इसका इस ट्रैक्टर का नंबर है HR30S2325। कितना अच्छा नंबर मिला है ना, रैंडम मिला था 2325। ये मैं यहाँ से इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ। अभी आप देखोगे भाई ये काफ़ी पुराना हो गया, हो गया इसको 4-5 साल। तो इसमें अब यहाँ पे ना ये फ्यूल का ही चलता है, ना इसमें स्पीड का पता चलता, ना इसमें इंजन टेम्परेचर का पता चलता है। ये है डीजल का, ये गर्म का है। तो कोई सुई तो चलती नहीं है इसके अंदर, कोई भी सुई नहीं चलती भाई। बाकी इसमें दो एक्सीलेटर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ से आप हाथ से एक्सेलरेट कर सकते हो, और एक आपका पैर वाला सिस्टम भी आता है। इसकी हैंड ब्रेक आपको ये वाली मिलती है, और यहाँ पे आपको इसका लिफ्ट वाला सिस्टम मिलता है, मतलब जब आप लिफ्ट को उठा लो ऐसे डाल दो, ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे ब्रेक वगैरह मिलती है, तो आप ब्रेक को भी ऐसे, आपको दोनों ब्रेक चाहिए एक चाहिए तो आप तो ऐसे कर सकते हो। अभी अगर आपको जैसे देखो अभी तो एक लग रही है, एक लगा सकते हो। अगर आपको दोनों लगानी है तो इसको आप ऐसे कर लो, और अब आपकी दोनों ब्रेक लगेंगी ऐसे, इस टाइप से इतना सिस्टम रहता है। और यहाँ पे आपको मिलता है क्लच, यहाँ पे आप बात करते हो तो ये होता है बंद करने का ऑप्शन। आपको इसमें से की से बंद नहीं करते हो आप इसको, ये झटके से भी बंद हो जाता है क्या है, उठ जा, झटके से बंद हो जाता है जैसे बाइक और गाड़ी हो जाती है गियर में, तो ये भी हो जाता है उस हिसाब से, लेकिन लोग यहीं से प्रेफर करते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, और यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है। और ये देखिए जॉन डीरे वाले कितने स्मार्ट हैं, यहाँ पे अगर आप वो धीरे चलाएं तो कछुआ लिख रखा है, और यहाँ पे आपका रैबिट, तो कछुए पे कर दोगे तो बहुत स्लो चलेगा, रैबिट पे कर दोगे तो एकदम भागने लगेगा। इसकी टॉप स्पीड क्या है, 25, बस ये 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ता है भाई। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिलता है फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए, लेकिन ऐसी तपती दोपहर में फ़ोन चार्ज होता नहीं है। अगर इसमें से आप डोरी निकाल भी लोगे तो फ़ोन वैसे ही हीट रहता है, तो चार्ज होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे रखा रहेगा तो वो है भाई दिक्कत होती है। यहाँ पे इसके 1000 लाइट्स वगैरह आप चला सकते हो। हाँ हाँ ये तो है। और इसकी सीट बहुत ऐसे 90 डिग्री पे है ये वाली भाई, तो ऐसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहता है इसमें ऐसे करना। नीचे हमें हैंडल है काई में, हमें ये वाली सीट हो जाती है आगे पीछे ना, अच्छा सीट आगे पीछे पता नहीं भाई ये आगे पीछे हो जाती है, पर मेरे ख्याल से तो अनकम्फर्टेबल ही है। ये देखना कैसे एकदम से प्लेस्ड है। अच्छा जॉन डीरे के बारे में सबसे एक बेकार चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें भाई आपको फ्यूल टैंक देखो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इसमें फ्यूल टैंक दिया गया ऐसे प्लास्टिक का था। अभी ये इतनी दिक्कत करता है ना, अब इसमें आदमी जो को पैसेंजर रहते वो ना तो ढंग से बैठ पाते, और अच्छा नहीं लगता यार ये। हमेशा फ्यूल टैंक होना चाहिए वहाँ पे आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्पेस घेरता है और कुछ नहीं करता है। यहाँ पे तो बहुत ही बेकार है भाई ये, क्योंकि एक बंदा तो चलो आगे की तरफ बैठ जाए, लेकिन जो पीछे बैठता है यहाँ पर, यहाँ पे वो नहीं बैठ पाता है। बाकी ये देखो कितना लोड 3000 ईंट भर के ले आ जाता है, और फिर ये उड़ता भी रहता है थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर इसमें अभी जैक ख़राब है क्या इसका ना, फिर ये जैक से क्यों नहीं खिला रहे। हाँ डाले में अड़ जाती हैं, इसलिए इनको ऐसे हाथ से खिलाया जा रहा है। बाकी और चीज़ें मैं दिखाता हूँ भाई आपको जॉन डीरे के बारे में, जैसे इसमें उतरना है अगर आपको तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे उतर जाओ। ये इसकी लिफ्ट होती है, और इसके टायर्स की बात करोगे, टायर चेंज हुए हैं इसके एक दो बार, कितने साल हो चुके इसको, 5 साल हो चुके अभी तक भी अपोलो के टायर्स सही चल रहे हैं। कृषक नाम से आते हैं भैया इसके टायर, अगर इनकी प्रोफाइल आप देखोगे तो 13 के हैं ये, और 16 के हैं उनके में जाके मैं ये पीला पीला सा इनका थीम है भाई, ग्रीन एंड येलो वाला ये सिस्टम चलता है। इसका बड़ा सा बम्पर है यहाँ पे, तो इनमें ये रहता है ये ठुकते भी कहीं पे तो इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना हैवी ड्यूटी बम्पर रहता है ना भाई। ये देखो फुल लोहे का है, इसको मार भी रखा है कई बार लेकिन कुछ नहीं होता, ये पेंट उखड़ जाता है बस। बाकी कंडीशन को देखो 5 साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और इनका किलोमीटर्स का हिसाब नहीं रहता भाई कितने किलोमीटर चल लिए, इनका टोटल हिसाब रहता है कि आपका घंटा, हाँ कितने घंटे चलिए। इसकी छतरी कहाँ पे गई, छतरी आज ही चढ़वाएंगे इसमें, नहीं कहाँ गई, कहाँ पुरानी फट गई क्या वो, अच्छा घर पे है। तो ये अब तो भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो बिना छतरी के नहीं चला जाता है। अरे ये तो देखो सिंपल ट्रैक्टर है, हमारे यहाँ पे ऐसे सिंपल ही रखते हैं।
लेकिन आप दूसरे यूपी साइड जाओगे तो वहाँ पे लोग क्या विंडशील्ड लगा के रखते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली काम में रहते हैं ना वो सरदार जी, ट्रैक्टर मॉडिफाई रहे। हाँ, पंजाब में आप देख लो तो पूरी यहाँ पे विंडशील्ड वगैरह पूरी मॉडिफाइड रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंपल इसको बस ऐसे काम में लेने के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे वो अपने कंस्ट्रक्शन का हो, ऐसा बस ऐसे लेते हैं। कभी कभी कमर्शियल में भी चल जाता है भाई, कहीं पे क्रेशर वगैरह लेके जाना हो वो वाला सिस्टम भी रहता है। यहाँ पे इसका मिलता है एक ORM IRM, इसका सब यही है भाई, बाहर का भी ये दिखाता है अंदर का भी ये दिखाता है, तो इसका मोड़ लो अपने हिसाब से बना लो। बाकी यहाँ पे जॉन डियर का सीरियल नंबर वगैरह लिखा रहता है, और ये एक प्लास्टिक लगा के दिया है इससे पता नहीं क्या होगा। और भाई सब सिस्टम बढ़िया है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी देखना ये अब आगे लेगा इसको, और ये अब नहीं उठेगा ना, अब बहुत कम हो गया, इस पर बैठना ही पड़ता है जिससे इसको आगे तरफ वजन मिल जाए, जिससे ये उठे ना, लेकिन अब भी उठेगा ये मेरे को पता है। अरे नहीं, वो तो जैक खड़ाने लग गया भाई अब। हाँ, जैक जब लाते हैं तब भी ये उठ जाता है, इसलिए इसके ऊपर बैठना पड़ता है। अब नहीं उठेगा भाई ये, अब देखना छोटी गाड़ी के पीछे नहीं लग रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था डिजाइन। हाँ, डिजाइन है ये, ट्रैक्टर साथ में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे टूल किट भी होते हैं भाई इसके अंदर। देखना भाई, ओ भाई देखो, ये पूरा लिफ्ट से कंट्रोल होता है इस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे बंदा लिफ्ट से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि भाई जो हवा में रहता है कोई भी चीज़ हवा में, तो वो कैसी कंट्रोल होगी, प्लस ऐसे ईंटों को खाते हैं तो भाई ये टूट भी जाती है, काफ़ी ईंटें तो टूट जाती है 10%, तो कोई नहीं है, दा पोना सब चल जाता है चिनाई के अंदर, ये मिस्त्री सब लगा देता है। आगे कर ले, ये होता है भाई देखो हाइड्रोलिक्स के हिसाब से चलता है, हाइड्रोलिक्स पे उड़ जाता है ये, जैसे जेसीबी वेसीबी में रहता है हाइड्रोलिक्स में भी जाम रहते हैं। भाई भाई भाई, इतना डेंजरस, इतना डेंजरस सिस्टम। आगे ले ले ये फाइन भाई, ये फाइनल राउंड है अपना ईटों का, इसके बाद ईटें नहीं आएंगी, इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है ईटों का, फिर सीधा सेटरिंग होके लेंटर डल जाएगा अपने इससे फार्म हाउस पे, अभी डाउन करवाने के लिए बोल दिया गया है। और ये हमारी डोरी तोड़ दी है भाई इसने, जॉन डियर ने, बस इतनी डोरी इतनी ईटें लग पाएंगी इसमें, इसलिए और ईटें ज़्यादा नहीं लगवा रहे, अब तो इतनी खल गया है फिर भी उठ रहा है भाई ये, इसका हिच खराब है, इस ट्रैक्टर का हिच तो यहाँ पे हिच रहता है वो खराब है, जिसकी वजह से इसमें। बाकी भाई न्यू अगर आपको फोर्ड 3600 सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक बार गा के सुना कैसे है, 2000 ईंट है अब सुन, अरे गा के तो सुना कैसे बजता है, फोर्ड 36 वाले गुण मिले तेरे तय, कौन सा मतलब फोर्ड 36 वाले, ये 50 वो 50-36 है, ये 50-36 लिखने रही सामने 50-36 टी, फोर्ड अच्छा है या ये अच्छा है, फोर्ड 3600 अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इंजन और उनका या को बराबर है, लेकिन मुझे तो फोर्ड 3600 अच्छा लगता है भाई, वो आप नहीं आ रहे, वो पहले आ लिए थे ट्रैक्टर तो, हाँ इसीलिए है, वैसे तो वो रेयर पीस है, कोई पीछे ना रहे, वो रेयर पीस है इसीलिए उसके ऊपर गाना बनाया है, तो आप भी जरूर जाके सुनना ठीक है, मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखा है ठीक है। तो भाई यहाँ पे चल जाएंगी ईटे, चलो भाई थैंक यू, टाटा बाय बाय।